Hello students, I am here again with the explanation of the chapter Armero has disappeared from the map from the English Channel book class 8. Basically, I want to give you a briefing of this chapter in the beginning. Baat karte hain ki what is Armero? Armero hai kya? Kisi ko kuch idea hai kya Armero ke bare mein? Main aapko batati hoon, Armero ek chhota sa town है कोलंबिया में. कोलंबिया के अंदर एक छोटा सा टाउन है आर्मेरो. ये उसी का एक रियल इंसिडेंट है. इस चैप्टर में एक रियल ट्रेजेडी, रियल इंसिडेंट के बारे में बताया गया है आर्मेरो की. नेचुरल डिजास्टर्स तो आपको पता ही है कि जैसे अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाता है या वॉल्केनिक इरप्शन हो जाती है. उसी तरीके से आर्मेरो में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी 13 नवंबर 1985 में, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा आर्मेरो शहर डिवास्टेट हो गया था. उसी के ऊपर ये चैप्टर है जिसको मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रही हूँ. और जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी, जो एक्टिव वॉल्केनो था वहां पर, उसका नाम है निवाल्डो डेल रुएस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. The people of Colombia were awakening to a new day. It was Thursday, 14th November 1985. I turned on the radio to get the morning news. I could hardly believe my ears as the announcer's voice exclaimed, Armero has disappeared from the map. A portion of Chinchina has been swept away in a mudslide. रियल इंसिडेंट है. और इसको एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए जिसने भी ये लिखा है, पोर्शन राइटर ने, वो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें पास्ट की शेयर कर रहा है. 1985 की बात है ये. तो मोस्टली उस समय जो भी कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज मिलती थी टीवी या रेडियो पर मिलती थी. एट प्रेजेंट आज की तरह मोबाइल फोन्स, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं होता था कि इमीडिएटली हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो कोलंबिया में एक छोटा सा शहर है आर्मेरो. तो कोलंबिया के बारे में बात है कि नया दिन शुरू ही हुआ था 14 नवंबर को 1985 में, और मॉर्निंग न्यूज आई जिसमें अनाउंसर जो था, एंकर था, न्यूज रीडर था, वो बता रहा था कि जो आर्मेरो है वो मैप से डिसअपियर हो गया है, गायब हो गया है. किस वजह से? मड स्लाइड की वजह से. और वो उसको बहा करके ले गया, उस पोर्शन को बहा करके ले गया आर्मेरो को, जो कि अब मैप में नहीं शो हो रहा था. आई लिसन्ड इन अटर डिसबिलीफ एज द न्यूज रिपोर्ट कॉन्टिन्यूड. Armero, a town of some 28,000 inhabitants, had been virtually wiped off the map by the avalanche of mud, ice and lava. But what caused this devastation? सुनता है और उसको बिलीव ही नहीं होता कि न्यूज रिपोर्टर ने क्या बोला कि आर्मेरो जो टाउन है जहां अराउंड 28,000 लोग रहते थे, वो बिल्कुल मैप से हट गया, वाइप ऑफ हो गया, बहा दिया गया. किस वजह से? एवलांच से, हिमस्खलन से. किसका? मड, आइस और लावा का. और जिसने बहुत ज्यादा तबाही बचाई. निवाल्डो डेल रुएस वॉल्केनिक माउंटेन है, और जहां पर टॉप पर आइस कैप से वो हमेशा भरा हुआ रहता था, आइस कैप से कवर्ड रहता था वो, और अचानक वहां पर एक दिन वॉल्केनिक इरप्शन होने लगी. और ये बातें एक साल से चल रही थी, बट जो वो इतना एक्टिव नहीं था वॉल्केनो. लाइट उसमें से फ्यूम्स आते रहते थे, सल्फर की गैसेस निकलती रहती थी. बट उस दिन अचानक क्या हुआ कि तेजी से वो एक्टिव हो गया वॉल्केनो, और उसमें से लावा निकलने लगा. जब वो हॉट मॉल्टन लावा निकलने लगा, इतना गर्म था वो कि जितनी भी आइस कैप से कवर्ड वो माउंटेन थी, वो सारी मेल्ट हो गई. तो उसके मेल्ट होने की वजह से पूरा का पूरा बहुत सारा मड, आइस और लावा का, हम कह सकते हैं एक तूफान, एक बाढ़ तरीके की, एक बहाव वहां से निकलने लगा, जिसकी वजह से आर्मेरो शहर पूरा का पूरा बह गया.
The night before at about 9 o'clock, the 5400 meters snow-capped volcanic peak Nevado del Ruiz exploded on its northeast flank, spewing out huge quantities of sulfurous volcanic ash. मैंने आपको पहले भी बताया वॉल्केनिक पीक नेवेल्डो डेल रिस, वहां से ये पूरा का पूरा जो लावा है सल्फ्यूरस वॉल्केनिक इरप्शन ऐश उसमें से राख निकल के नीचे आने लगी. द ट्रिमेंडस हीट फ्रॉम द क्रेटर मेल्टेड अ लार्ज पोर्शन ऑफ द स्नो कैप. जो तेज हीट थी उस क्रेटर में से, गड्ढे में से, वॉल्केनिक क्रेटर में से, उसने क्या करा, स्नो कैप को मेल्ट कर दिया. As a consequence, normally crystal clear, leisurely flowing glacial streams were transformed into death-dealing torrents of mud and melting ice. A large part of this slithering mass slipped into the Lagunilla River, rolling and twisting downstream, sweeping along trees and boulders as it picked up speed along its 52-kilometer descent to आर्मेरो. 52 किलोमीटर पर आर की स्पीड थी जिस स्पीड से वो लावा, वो ऐश, वो मड, वो आइस, वो पानी उस वोल्केनिक पीक से नीचे उतरा और अपने आप, अपने साथ वो सब कुछ बहा करके ले गया. जस्ट ओवर एन आर लेटर a wall of mud at least 12 meter high belched out of the narrow canyon into the valley below. Armero, lying directly in its path, was swept away. Only a few houses on higher ground were left standing. एक भयानक तबाही का मंजर था. जो सीन था वो डिवास्टेशन का, रुलाने वाला, रोंगटे खड़े करने वाला, गूज बम्स देने वाला सीन था. वो इतना भयानक सीन था, उसने आर्मेरो शहर को पूरा का पूरा अपने उसने उसको अपनी जगह से हटा दिया था बिल्कुल, और वो स्वेप्ट अवे हो गया था, वाइप्ड ऑफ हो गया था, अपने साथ बहा करके ले गया. आर्मेरो का वो ही पार्ट, वो ही कुछ गिने चुने घर नजर आ रहे थे जो हायर लेवल पे थे, हायर ग्राउंड पे थे. अराउंड 23,000 लोग मर गए थे वहां पर और 5,000 जो पीपल थे वो इंजर्ड हुए थे. ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून द प्रीवियस डे अ स्मेल ऑफ सल्फर इन द एयर हैड बीन स्ट्रॉन्ग. अ लिटिल लेटर द एश बिगैन टू फॉल बट दिस कॉज्ड लिटिल अलार्म सिंस द वॉल्केनो हैड बीन एक्टिव इन दिस वे फॉर नियरली अ ईयर. लगभग एक साल से इसी तरीके से ये वॉल्केनो एक्टिव था, बट इसने मेजर भयानक रूप नहीं लिया था. और जो वहां की एटमॉस्फेयर था, एयर थी आर्मेरो की, वहां पर एक दिन पहले से ही काफी स्मेल आ रही थी सल्फर की एयर में, और वो काफी स्ट्रॉन्ग थी एक दिन पहले से ही, वेडनेसडे के दिन से ही आ रही थी. धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, ऐश, राख जो होती है उसमें से निकलनी शुरू होती है. बट लोग पैनिक नहीं हुए क्योंकि उन्हें लग रहा था ये तो एक डेली रूटीन है जो एक साल भर से चलता आ रहा है. लोग इस बात को सोच के डरे नहीं. द पीपल वर अर्ज्ड टू रिमेन काम, टू स्टे इनडोर्स एंड टू कवर देयर फेसेस विद डैम्प हैंडकरचीफ्स. तो लोगों को टीवी पर और रेडियो पर, न्यूज में ये रिपोर्ट किया गया, उन्हें अर्ज की गई, एडवाइस किया गया, उन्हें समझाया गया, रिक्वेस्ट की गई उनसे कि आप लोग पैनिक ना हो, आप लोगों को क्या करना है, आप शांत रहें, अपने घरों के अंदर रहें और अपने फेसेस को एक डैम्प हैंडकरचीफ, एक गीले रूमाल से आप अपने आप को ढक के रखें प्रिकॉशन लेने के लिए. A member of the Emergency Committee for Civil Defense assured the townspeople over the public address system that there was no reason for alarm. Emergency Committee के जो Civil Defense Service थी उसने assure करा टाउन के लोगों को, उन्हें समझाया पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर, रेडियो पर उन्हें समझाया, उन्हें बताया गया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि जो उन लोगों को हार्म करेगी. एट अबाउट 7:30, बट अचानक क्या होता है, 7:30 PM पर एक वॉयलेंट
A torrential rain began to fall and then suddenly stopped to be followed by a strange fallout, a fine warm sand that soon covered roofs and streets. This was something new. More and more people became uneasy. A few locked up their houses and fled to the higher ground. The majority stayed. अचानक क्या होता है, शाम को 7:30 बजे वॉयलेंट और तेज, बहुत तेज रेनफॉल होती है और अचानक वो बारिश रुक भी जाती है. और उसको क्या फॉलो करता है, बारिश के बाद अचानक बहुत सारी गर्म रेत से वहां आर्मेरो के जो रूफ्स थी, छतें थी, गलियां थी, वो गर्म रेत से भर जाती हैं. वो आर्मेरो के लोगों के लिए पहला इंसिडेंट था जो उनके लिए कुछ नया था, जिसकी वजह से लोग अनईजी फील कर रहे थे. कुछ लोग ऐसे थे जो अपने घरों को लॉक करके हायर ग्राउंड पे चले गए थे, मगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो वहीं रुक गए थे आर्मेरो में. एट 10:13 PM रात के 10:15 का टाइम, लगभग 10:13 The mayor of Armero suddenly interrupted a radio program, exclaiming, "The water is here." It had taken an hour and a quarter for the avalanche to travel 52 km. आर्मेरो का मैसेज आता है, आर्मेरो में मेयर का मैसेज आता है रेडियो प्रोग्राम पर, उसको रोक दिया जाता है. रेडियो पे जो भी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है उसको रोक दिया जाता है और सडनली एक अनाउंसमेंट होती है आर्मेरो के मेयर की कि पानी यहाँ आ पहुंचा है और लगभग एक घंटे, 1.25 घंटे के अंदर वो जो पानी है 52 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ आर्मेरो में एंटर कर चुका है. Some were awakened by the heavy rain of sand on the roof. जो रात का टाइम था, कुछ लोग सो चुके थे, कुछ लोग किस वजह से उठे, heavy rain of sand on the roof. रूफ पर जो रेत की बारिश हुई, उस आवाज से कुछ लोग उठ गए. कुछ लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे थे, कुछ लोग न्यूज प्रोग्राम देख रहे थे, उन्होंने वो मैसेजेस, वो अनाउंसमेंट, वो न्यूज वो उस पर सुनी. Others heard the noise and shouting outside. कुछ लोगों ने आवाजें सुनी बाहर से आती हुई. फ्रेंटिकली दे कॉल्ड देयर चिल्ड्रन एंड फैमिली मेंबर्स आउट ऑफ बेड. पागलपन में बुरी तरीके से घबरा करके जो उनके छोटे बच्चे और फैमिली मेंबर्स सो गए थे, उन्होंने उनको उठाया. द लाइट सडनली वेंट ऑफ. ऐसे में अंधेरा छा गया, लाइट चली गई. हमें पता है कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो तेज बारिश, तूफान आता है या अर्थक्वेक होता है तो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है. ऐसा ही वहां पर भी हुआ. पीपल वर बैंगिंग एंड किकिंग ऑन द डोर्स एज दे शाउटेड, द लैंगमिनला इज कमिंग, रन रन, द वॉटर इज अपॉन अस, द वॉल्केनो इज कमिंग. लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए कि जो लैंगमिनला रिवर है वो आ रही है और पानी हमारे ऊपर आ चुका है, आर्मेरो को लगभग कवर कर चुका है. वॉल्केनो इज कमिंग. Thousands rushed out of their homes. Cars, motorcycles and trucks raced madly through the streets, horns blowing, heedless of people in their way. Many were run down before the wall of mud struck. It was total panic. पैनिक की सिचुएशन थी, फियर की सिचुएशन थी. लोग असावधानी से, केयरलेसली इधर उधर अपने व्हीकल्स को लेकर के भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए. In the darkness, the approaching avalanche made a terrifying noise like two jumbo jetliners coming in low. रात का अंधेरा था और जो avalanche की आवाज थी वो भयानक आवाज थी, terrifying noise थी. ऐसा लग रहा था कि दो जंबो जेटलाइनर्स बहुत नीचे से गुजर रहे हैं. द चर्निंग मास क्लाइम्ड ओवर द रिवर बैंक्स, रोज हायर देन द हाउसेस एंड स्वेप्ट स्ट्रेट डाउन द थ्रू द सेंटर ऑफ द टाउन. एवरीथिंग वॉज एनगर्व्ड एंड स्विफ्टली कैरिड अवे. चिल्ड्रन वर रिप्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर्म्स एंड बरिड इन द मड और कैरिड हेल्पलेसली अवे टू देयर डेथ. रिवर बैंक्स जो थे वो चर्न हो रहे थे, आपस में हिल रहे थे, पानी इधर से उधर जा रहा था, मिट्टी वाला पानी, बर्फ वाला पानी, लावा भी था उसमें, ऐश भी थी,
पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हाथ में लिया हुआ था, मगर वो स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बच्चे उनके हाथों से फिसल गए, मिट्टी के अंदर दब गए, हर जगह तबाही का मंजर था। हेल्पलेस हो गए थे पेरेंट्स भी कि उनके बच्चे उनके हाथों से निकल रहे हैं, उस वाटर की स्पीड की वजह से दब रहे हैं, मर रहे हैं, बट वो अपने बच्चों को बचा नहीं पा रहे थे। सिचुएशन थी बिल्कुल फियरफुल, पैनिक था। फाइनली इट वॉज ऑल ओवर, ओनली एन एरी साइलेंस एंड इंकी ब्लैकनेस रिमेन्ड। George Castilla, safe on a farm on the outskirts of Armero, said he could feel an atmosphere of the death in the night. Survivors, old people, young people were coming out of the muck, many of them injured. Finally, sab khatam ho jata hai, volcanic eruption band ho jati hai, silence ekdam bhayavah sannata ho jata hai wahan par, kali raat hoti hai. George Castilla name hai जो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो खड़े हैं सेफ फार्म हाउस पर, आउटस्कर्ट्स पर, आर्मेनियो के कुछ बाहर, एंड ही कुड फील एन एटमॉस्फेयर ऑफ डेथ। कैसा मंजर उन्हें फील हो रहा था? डेथ का मंजर, मौत का एटमॉस्फेयर वो फील कर रहे थे। रात में देख रहे थे आसपास जो सर्वाइवर्स हैं, यंग पीपल हैं, वो गार्बेज में से, कूड़े में से, जैसे मान लीजिए बाहर निकल रहे हैं, उस गंदगी में से, मड में से, ऐश और लावा में से जो बहा करके आया हुआ है, बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड थे और कुछ लोग ज़ॉम्बीज की तरह वॉक कर रहे थे स्लीप में। ऐसे लग रहा था, ज़ॉम्बीज क्या होती है? ज़ॉम्बीज एक तरीके की डेड बॉडी होती है जिस डेड बॉडी को वापस से जिंदगी दी जाती है मैजिकल इफेक्ट से। ऐसे व्यक्ति जिनकी जिंदगी में कुछ रह नहीं गया, नीरस लोग, ज़ॉम्बीज की तरह वो लग रहे थे। दे गेज्ड एट यू विद द ब्लैंक स्टेयर, दे आस्क फॉर वाटर, नथिंग मोर। इट वाज हॉरिबल, हॉरिबल सिचुएशन थी। जॉर्ज कैस्टिला इसको डिस्क्राइब करते हुए बोल रहे थे कि कुछ नहीं चाहिए था उनको, सिर्फ जो वो मांग रहे थे वो पानी मांग रहे थे। As morning dawned, रात का सन्नाटा खत्म होता है, भयानक रात चली जाती है, अब अगले दिन की सुबह होती है। अलोन क्रॉप डस्टर सर्वेड द वैली बिलो। क्रॉप डस्टर क्या होता है? क्रॉप डस्टर एक एरोप्लेन यूज होता है जिस पर, जिसमें क्रॉप्स पर स्प्रे करने के लिए कुछ पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड होते हैं, बट वो क्रॉप डस्टर यहाँ पर एक सर्वेयर का काम कर रहा था। उसमें लोग बैठ करके सर्वे कर रहे थे आर्मेरो का। द सर्वेयर कुड हार्डली बिलीव हिज आईज, अपनी आंखों पर सर्वेयर विश्वास नहीं कर पा रहा था आर्मेरो की हालत देख करके। क्लोज टू द माउंटेन साइड वेयर थ्राइविंग आर्मेरो कुड हैव बीन, देयर वॉज जस्ट एन इमेंस एक्सपेंस ऑफ ग्रे मड विद हंड्रेड्स ऑफ बॉडीज, एनिमल्स and humans floating on the surface. तो क्या दिखने को मिल रहा था माउंटेन साइड पर? जहां किसी एक समय हेल्दी स्ट्रॉन्ग आर्मेरो टाउन वहां पर हुआ करता था, वहां पर आज क्या था? ग्रे मड थी, बेसिकली ऐश थी वोल्केनो की, जहां पर हंड्रेड ऑफ बॉडीज पड़ी हुई थी, डेड बॉडीज। किसकी? एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की, जो फ्लोट कर रही थी सरफेस पे। He reported, the town is just an enormous beach with only a few houses still standing. People can be seen on treetops, on walls and on the hillsides. उन्होंने रिपोर्ट करा कि जो टाउन है किस में बदल गया? एक बीच में बदल गया। समुद्र के पास की जो जगह है बीच, उसमें कन्वर्ट हो गया, जहां पर कुछ ही घर खड़े हुए नजर आ रहे थे। जो बचे हुए जिंदा लोग थे वो पेड़ों पर, ऊंचे लंबे पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाने के लिए वहां पर चढ़े हुए थे, दीवारों पर चढ़े हुए थे, कुछ पहाड़ों पर चढ़े हुए थे। सम सर्वाइवर्स कुड बी सीन आउट देयर बरेड टू द नेक एंड क्राइंग फॉर हेल्प अनेबल टू मूव। कुछ जो सर्वाइवर्स थे वो जो वहां पर बचे हुए थे जिंदा लोग, वो कैसे देखे गए? नेक तक, गर्दन तक वो उस ऐश और मड के अंदर डूबे हुए थे और वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे हेल्प के लिए। उस कीचड़ जैसी चीज से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो हिल ही नहीं पा रहे थे। दोज ऑन द एज ऑफ द मोरास वर ट्राइंग डेस्परेटली टू रीच दोज नियर बाय।
जो मोरास क्या होता है, डेंजरस लो सॉफ्ट वेट लैंड होती है जो उसके किनारे पे थे, वो भयंकर कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरीके से बाहर निकल पाए, बट वो भी अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यूजिंग प्लैंक्स दे सक्सीडेड इन सेविंग अ फ्यू। सम वेंचर्ड इन टू द मक बट देन हैड टू रिट्रीट एज दे बिगैन टू बी सक्ड डाउन। अ रेस्क्यूअर टाइड टू ड्राइव अ ट्रैक्टर टू हेल्प विद इन 3 yards अ ट्रैक्टर वॉज सक्ड अंडर। इतना पानी जो स्नो पीक से बहा था और मिट्टी बही थी, ऐश बहा था, उसने उसको एक तरीके की दलदल, कीचड़ जैसी लुक दे दी थी, एक तरीके का दलदल बन गया था रात भर में, कि लोग अंदर स्ट्रक हो गए थे, मदद ही नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे की। और एक जो रेस्क्यूअर था, हेल्प करने वाला था, उसने कोशिश करके एक ट्रैक्टर वहां तक लेके गया कि किसी तरीके से वो लोगों को बचा ले। बट क्या होता है, 3 yards चलने के बाद वो ट्रैक्टर भी उस दलदल में, उस कीचड़ में फंस जाता है। 6 weeks आफ्टर द ट्रेजेडी आई विजिटेड द साइट अगेन। 6 हफ्तों के बाद इस ट्रेजेडी के उस साइट को ऑथर दोबारा विजिट करते हैं। वेयर अ टाउन यूज टू बी, जहां पर आरमेरो शहर था। देयर इज नाउ अ ग्रे वाइट बोल्डर स्ट्रून बीच इन द शेप ऑफ एन एनॉर्मस फैन, टेस्टिमनी टू द फ्यूरी ऑफ नेचर। वहां जब उन्होंने विजिट करके देखा तो उन्हें वो आरमेरो शहर तो मिला नहीं, ऐसे लगा कि फैन की शेप में एक प्रूफ था, एक एविडेंस था नेचुरल डिजास्टर का, नेचुरल क्लामिटी का। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर